आज के दिन सन 1785 में प्रशिया ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 1823 में साइमन बॉलीवर पेरू के राष्ट्रपति बने थे। 1846 में सिलाई मशीन देने वाले आविष्कारक एलायस होवे ने आज ही के दिन सिलाई मशीन का पेटेंट कराया था। 1847 में हवाई द्वीप में पहला थिएटर खुला था। 1872 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजी का जन्म हुआ था। 1887 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। 1914 में फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मारने का युद्ध समाप्त हुआ था। 1915 में भारतीय क्रांतिकारी जतींद्रनाथ मुखर्जी का निधन हुआ था। 1923 में बंगाल के लोकप्रिय उपन्यासकार सुकुमार राय का निधन हुआ था। 1926 में जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता ली थी। 1966 में भारतीय संसद ने पंजाब और हरियाणा राज्य के निर्माण पर स्वीकृति प्रदान की थी। 1972 में भारत के जाने माने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का जन्म हुआ था। 1976 में इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का लाहौर से अपहरण हुआ था। 1996 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि 3 के मुकाबले 158 मतों से स्वीकृत भारत सहित 3 देशों द्वारा संधि का विरोध किया गया था। 1998 में येवगेनी प्रिमाकोव को रूस का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया था। 2002 में यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। 2007 में नाटकीय घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को स्वदेश लौटने के बाद पुनः जेद्दा निर्वासित किया गया था। 2008 में स्विट्जरलैंड की सर्न प्रयोगशाला के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग शुरू हुआ। आज ही के दिन 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलू ने स्वर्ण पदक और वरुण भाटी ने कांस्य पदक जीता था।